नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत कर रही हूँ आप सभी का शिक्षा प्रवाह में। तो बेटा, आप लोगों की एनुअल एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई है। जो बच्चे सीबीएसई से इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, अपने क्लास 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 11th क्लास के, जो बोर्ड की डेट शीट है, फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम की डेट शीट है, वो पहले ही आ चुकी है। और अब 9th, 11th, 6th to 8th और 3rd to 5th वाले बच्चों की भी कॉमन एग्ज़ाम डेट शीट आ गई है। इस बार जो आपकी डेट शीट आई है, उसके अंदर खास बात ये है कि आपकी दो डेट शीट आई हैं, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में जो आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे उसकी डेट एंड टाइमिंग अलग है। मतलब टाइमिंग तो देखिए अलग ही होती थी, लेकिन इस बार डेट भी आप लोगों की अलग आई हैं, ठीक है। यानी कि जो मॉर्निंग के स्कूल हैं उनके एग्ज़ाम्स किसी और डेट पर हैं, और जो इवनिंग वाले एग्ज़ाम हैं वो एक अलग डेट पर हैं। तो इससे पहले देखें हम हमारी डेट शीट को, उससे पहले आपको सब्सक्राइब करना है शिक्षा प्रभा को, जिससे कि आपको आपके जो एग्ज़ाम होंगे उनकी फाइनल आंसर की पेपर सॉल्यूशन और इसके अलावा आपके मॉडल टेस्ट पेपर, सीबीएसई सैंपल पेपर्स यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आपने चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। देख लेते हैं आप लोगों की डेट शीट। तो बेटा, ये आप जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिख रही है वो है मॉर्निंग या फिर जो जर्नल शिफ्ट के स्कूल हैं उनकी डेट शीट। और आप लोगों का जो टाइम है बेटा वो है इवनिंग में कितना, 2:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक का क्लास 3rd to 8th, ठीक है। क्योंकि उन लोगों का जो पेपर होता है वो 2.5 घंटे का होता है, और जो ये 9th to 11th है उनका टाइम है 2:30 से 5:30, यानी कि 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। तो 15 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है, एनुअल एग्ज़ाम क्लास 9th और 11th के। तो 15 फरवरी को 9th क्लास के बच्चों का नेचुरल साइंस, और जो 11th क्लास है उनका फिजिक्स और पोल साइंस। सबसे पहले पोल साइंस का एग्ज़ाम है, फिज़िक्स का एग्ज़ाम है क्लास 11th का। इसी तरीके से फिर जो आपके 17 तारीख है, यानी कि 16 तारीख को आपको मतलब छुट्टी दी गई है। 9th का उस दिन कोई एग्ज़ाम नहीं है, 11th का इंग्लिश है। और 21 तारीख को 9th के बच्चों का इंग्लिश और 11th के बच्चों का फिज़िकल एजुकेशन। तो इसी तरह से आपके एग्ज़ाम 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको आपकी डेट शीट दिख रही होगी, और जो बच्चे मतलब पढ़ रहे हैं 6th, 7th, 8th, 3rd, 4th एंड 5th में, तो 4th क्लास के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं 2 तारीख से, यानी कि 2 मार्च से उनके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले मैथ्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और जो 3rd क्लास है, 3rd क्लास के जो एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे वो होंगे 9 मार्च से, ठीक है। 4 पेपर रहते हैं इनके, तो 9, 13, 15 और 17 में। और इसी तरह से 17 मार्च का आप लोगों का लास्ट एग्ज़ाम होगा, किसका, 3rd to 11th, जिसके अंदर 10th नहीं है। तो क्वेश्चन पेपर जो होगा आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे 15 मिनट पहले मिल जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर आपका स्कूल ही होगा, स्कूल में ही आपके एग्ज़ाम होंगे क्योंकि आपका बोर्ड नहीं है, ठीक है। और आंसर्स लिखने का जो टाइम है वो 2:30 बजे से है, ठीक है। 2:30 बजे से आप अपना पेपर स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी बच्चा अपनी आंसर शीट को सबमिट नहीं कर सकता एग्ज़ाम से पहले, 5 बजे से पहले, किसमें, 3rd to 8th में, एंड 5:30 बजे से 9th और 11th में। इस चीज़ का खास ध्यान रखा जाएगा, ये ऑर्डर आया है डिपार्टमेंट की तरफ से। अब है आपकी इवनिंग शिफ्ट की आंसर की। तो इवनिंग शिफ्ट में भी जो आपकी एग्ज़ाम की टाइमिंग है वो बिल्कुल सेम रखी गई है, है ना, 2:30 से 5 और 2:30 से 5:30। लेकिन जो आप लोगों की डेट्स हैं वो यहाँ पर चेंज कर दी गई हैं,
ठीक है। 16 तारीख से आप लोगों के एग्ज़ाम शुरू हैं, मतलब वही एक दिन पहले मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम हो जाएगा और उसके नेक्स्ट डे इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा। तो इस तरह से 16 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे और 18 मार्च को आपका लास्ट एग्ज़ाम हो जाएगा। सेम वही डायरेक्शन यहाँ पर फॉलो करनी है जो जर्नल शिफ्ट के एग्ज़ाम में है। तो ये थी आप लोगों की डेटशीट। आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। तो वीडियो को लाइक तो आप करेंगे ही, इसके साथ ही साथ शेयर भी करेंगे अपने क्लास ग्रुप में। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।